तो चलिए भाई लोग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना तो मनता है नहीं। चलिए अभी इसको तो ये है सत्तू, चने का, चने को पेस्ट करके ये बनाया जाता है। ये इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया हूँ और अभी थोड़ा सा पानी जाएगा एकदम फटाक से, कोई झमेला झंझट नहीं है। प्रोटीन भी अच्छा है, कार्ब भी अच्छा है। फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करो। ये करने पे भी आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाक से खा के फिर आप निकल सकते हो। और बहुत ही जो बिहारी लोग हैं ना वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही एक अच्छा है, न्यूट्रिशनस डाइट आपका हो सकता है अगर आप ले। चलिए फटाक से खा के फिर नहा के फिर निकल जाएंगे। कल से ये जो कपड़ा है ये वहाँ पे पड़ा हुआ है, इतना देर हो गया पर लॉक अभी भी खुला नहीं है। लाने का टाइम नहीं है, सोचो कितना ज्यादा काम। चलिए दोस्तों, धूप लगा दिया हूँ भगवान के लिए, ताकि मेरा भाई अच्छे हो। और इतना ही। क्या हालचाल भाई लोग, कैसे हो आप लोग? देखो देखो देखो, अरे करो करो, क्या कलरफुल मछलियां है रे। अरे मुझे खाना दे, खाना दे बे। पिद्दी मछलियां, यह है वाइल्ड टाइप जेब्रा फिशेस। चलिए रूम का हालत देखो, पहले मेरा जो एक्वेरियम था वो यहाँ पे था, अभी अचानक से ये जो पूरा ऊपर आप देख पा रहे हो ये पूरा गिर गया था। शुक्र है मेरा जो फिशेस है उसका कुछ नहीं। तो बिल्डिंग थोड़ा सा पुराना हो गया इसलिए ये जो सब यहाँ पे रखा नहीं जा सकता, तो मैं जस्ट एंट्री ले रहा था और पूरा देखा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नीचे गिर गया था। अभी टाइमर भी ठीक है, अभी ठीक ठाक है। ये बाल भी ऑलरेडी टूटा फूटा हो गया, कितना डरावना लग रहा है इसको देख के। ये जो पूरा जितना सारा ये लटका हुआ चीज है ना, इसको उतार देंगे, इसको सब ठोक ठोक के गिरा देंगे। कब सर पे गिर जाएगा, किसी कोई अगर एंट्री लिया और उसके सर पे गिर गया तो बस ऊपर का टिकट कट जाएगा, तो इसलिए करना पड़ेगा। अभी देख श्री विस्त्री कुछ काम वाम चल रहा है, इधर काम चल रहा है, थिंग बनेगा यहाँ से। बोलो। चलिए भाई लोग अभी आ गए हैं खाना खाने के लिए दोपहर का, तो अभी आए हैं सिक्खा भवन कैंटीन में। कुछ अभी बज रहे हैं 8 बजे, तो थोड़ा सा भूख भूख लग गया है इसलिए खाने के लिए आ गए हैं। लोग यहाँ पे भी बैठता है, इधर भी बैठने की जगह है, पर हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। ठीक है चलिए, इधर से घुसिए। फिश कटलेट इंडिया कॉफी, तीनटे कॉफी हैं, तीनटे कॉफी लाओ, तीनटे कॉफी कॉफी टाइ दाओ। अच्छा दी दाओ तुम्ही चार नहीं, तब एक घंटे के नहीं है, एक तो धरो हमें तो नहीं है। भाई लोग अभी इसको टेस्ट किया जाता है, कैंटीन वहाँ पे हम लोग बैठे थे और सर नहीं तो यहाँ पे भी बैठा जाता है। और इस तरफ है किचन, इधर खाना बना हो गया है। अभी आया हूँ ऑस्ट्री मार्केट और यहाँ पे राजू जी निकल रहा है। चलिए दोस्तों खाना बना खा के आ गया रूम, इस चाबी, चलिए चाबी खोल। खाना पीना खा के आया, सोचा थोड़ा सा सो जाऊंगा, पर अभी हालत देखो, ये हालत देख के मेरा दिमाग खराब। इसको पूरा ना साफ कर देता हूँ, अभी रात 12 बज गया है, अभी तो पूरा साफ नहीं कर सकता, हालत मतलब कुछ भी यार। चलिए अभी तो नहीं साफ कर सकते, बाद में पूरा रूम साफ करना पड़ेगा। कचरा फैसिलिटी का जो बाहर बाल्टी था, डस्टबिन था, वो भी अभी नहीं रखा है क्योंकि ऊपर गेस्ट हाउस हुआ है,
इसलिए जगह थोड़ा सा साफ सुथरा रखना मांगता है, तो इसलिए उसको बाहर फेंकने जाना पड़ेगा। बाहर नहीं मतलब इस बाउंड्री से उधर फेंकूंगा। तो घर में हम जो रहते हैं तो ये कपड़ा उठाने के बारे में ये सब के बारे में हमें इतना सोचना नहीं पड़ता, पर जब हम बाहर रहते हैं तो इसका ये छोटे छोटे जो चीज है घर के काम के बारे में हमें पता चलता है तो कितना इसका वैल्यू है। जो पीलो है इसको कपड़ा पहना है पहनाना है, ये कपड़ा गंदा हो गया इसको फेंक दो, अभी दूसरा नया वाला इसको पहनाएंगे। तो चलिए देखिए पीलो मेरा कपड़ा पहन लिया, चकाचक हो गया है, चार्जर की हालत बहुत करुण अवस्था में है, मच्छर मारने की मशीन। आज का जो ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और लाइक करके जाना। सब अच्छी तरह से रहो, हेल्दी रहो और मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय।